हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपको मैं ऑडिबल भी हूँ और विजिबल भी हूँ। अगर मैं क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल नहीं हूँ तो वीडियो को मत लाइक करना, ठीक है? या थम्स अप दे दो। फास्ट फास्ट गुड इवनिंग संतोष कुमार। सो स्टार्ट करें। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 करेंगे, इन हेरिडिटी। आई होप लेक्चर नंबर 1 का आपको सारा क्लियर हो चुका है। आज हम अपना कवर करेंगे हेरिडिटी, विच इज़ योर क्लास 10th टॉपिक, एंड दिस क्लास इज स्पेशली फॉर बोर्ड्स एग्जाम। और आज हम अपना इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, करेक्ट? सो लेट स्टार्ट। सो लास्ट हमने देखा था, जो भी वो था हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अगर आप उसको बुक से पढ़ने जाओगे तो एज इट इज़ आपको उसके बारे में कुछ भी किसी बुक से नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें आपको अपने क्लास नोट्स से ही पढ़ लेना, जो भी आपने नोट्स लिए होंगे लेक्चर से। आज हम कंटिन्यू करेंगे दैट एक्चुअल में जेनेटिक्स के ऊपर, या हम कहें इनहेरिटेंस के ऊपर, कौन से साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। तो उनका नाम था मेंडल। मेंडल वॉज द वन जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से और अपने टाइम से ज़्यादा हाई लेवल की स्टडी की थी। उनके अलावा और कोई भी इतनी स्टडी नहीं कर पाया था उस टाइम पे जितनी मेंडल ने कर ली थी। तो इसीलिए हमने मेंडल को क्या बना दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल के अलावा आपको बीच में जॉन लिखा भी आ सकता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका फुल नेम है। इनका बर्थ हुआ था 20 जुलाई 1822 को, एंड इनकी डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1884। अब इनकी ना लाइफ की एक सैड स्टोरी है, मतलब सैड स्टोरी ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि मेंडल ने जो भी काम किया था वो इतना ज़्यादा हाई लेवल का काम था कि उस टाइम जो भी साइंटिस्ट थे उन्हें वो काम समझ में ही नहीं आया। मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था दैट मेंडल ये क्या कर गया। गुड इवनिंग अभिषेक। सो उन्हें समझ में ही नहीं आया था कि मेंडल ने ये क्या कर दिया, कैसे हो गया ये सब कुछ जो मेंडल ने किया। तो इसीलिए ना उनको, अभी आप भी, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो हमें लगता है शायद ये गलत ही है क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई चीज़ हमें समझ में आ जाए तो हमें लगता है ये सही है। सिमिलरली उस टाइम के साइंटिस्ट के साथ हुआ। मेंडल ने अपना काम लोगों को प्रेजेंट किया। उस टाइम पर जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई तेरा काम गलत है, क्योंकि वो उन्हें काम समझ में ही नहीं आया था। क्लियर? तो इसीलिए मेंडल का काम उस टाइम पर रिजेक्ट हो गया। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1900 में, 1900 मतलब मेंडल की डेथ के बाद, कुछ साइंटिस्ट आए। उन्होंने जब जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि यार जो हम करने का सोच रहे थे ना, मेंडल तो वो ऑलरेडी करके जा चुका है। तब हमें पता चला था कि मेंडल ने कुछ किया है, मतलब कि मेंडल की डेथ के बाद मेंडल फेमस हुआ। समझ में आया? तो है ना ये सैड स्टोरी
क्योंकि बेचारे की डेथ हो गई, अब वो वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है बट मेंडल को नहीं पता, उसने अपनी नॉर्मल जिंदगी जी और वो ऐसे ही डेड हो गया। सारी जिंदगी उसने जेनेटिक्स पे लगा दी बट उसे कुछ नहीं मिला, क्लियर। और मेंडल ने स्टडी किस पे किया था, गार्डन पी के ऊपर। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, सेटिवम भी बोल सकते हो, सेटाइवम भी बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, क्लियर। ये आपको याद होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चोस्ड बाय मेंडल इज पाइसम सेटाइवम, कॉमन नेम है जिसका गार्डन पी। अब क्वेश्चन आता है कि दुनिया में इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, मेंडल ने पी के ऊपर ही काम क्यों किया। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कि मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, किसी और प्लांट को चूज़ क्यों नहीं किया था। स्टार मार्क कर लो इसको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पे बोर्ड्स के अंदर, दैट व्हाई डिड मेंडल चोज पी प्लांट्स। सो फर्स्ट है हमारे पास, पी प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन ईच प्लांट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सपोज एक पी प्लांट है, इसके ऊपर मेल फ्लावर भी ग्रो करते हैं और इसी के ऊपर फीमेल फ्लावर्स भी ग्रो होते हैं। तो मतलब क्या है इस चीज़ का कि एक ही प्लांट के ऊपर दोनों तरह के फ्लावर्स ग्रो होते हैं, मेल प्लांट्स फ्लावर्स भी लगते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी लगते हैं। तो मतलब सेम प्लांट दोनों तरह के गैमीट्स बना सकता है, क्लियर हुआ। प्लांट्स के केस में गैमीट्स क्या होते हैं, मेल गैमीट किसके अंदर होता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर, फीमेल गैमीट किसके अंदर होता है, एग। सो दोनों ही ये गैमीट्स एक ही प्लांट से हमें मिल जाते हैं, तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों चीज़ें हैं। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, चलो ठीक है। सेकेंड है, कहते दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली बाय द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल गैमीट टू द फीमेल ओव्यूल। वो अभी सारे प्लांट्स ही रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं सेक्शुअली, बाय द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फीमेल। जब हमारे पास पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है फीमेल के पास, तो हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स की रिप्रोडक्शन हो गई है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, पी प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल टू द फीमेल, क्लियर। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड, द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इजीली आइडेंटिफाइड। मतलब कि हमें एक प्लांट को देखकर बहुत आराम से अच्छे से समझ में आता है कि ये हमारे पास पी प्लांट है और ये इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब देख के ही हम बता सकते हैं कि ये इसका मेल फ्लावर है और ये दूसरा उसका फीमेल फ्लावर है, क्लियर। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। अब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें समझ में नहीं आता ये मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है या दोनों हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब इनकी स्ट्रक्चर क्लियर है, समझ में आता है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, शॉर्ट 90 डेज लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है हमारे पास एक मैंगो प्लांट होता है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंगो के केस में एक मैंगो के फ्रूट्स कब आते हैं, पहले हम एक मैंगो प्लांट लगाते हैं, सीड लगाते हैं, उसका मैंगो ट्री बनता है, उसको बनने में सालों लग जाते हैं, फिर उसके ऊपर फ्रूट आता है। तो मतलब अगर मेंडल ने स्टडी करनी थी एक सीड लगाने के बाद फ्रूट लेने तक उसको कितने साल वेट करना पड़ता, क्योंकि पहले वो सीड लगाता, फिर उसका ट्री बनता, फिर उस ट्री के ऊपर फ्रूट्स लगते, फिर मेंडल दूसरा सीड उगाता, फिर इस हिसाब से उसकी स्टडी चलती। तो उसकी स्टडी कितनी ज़्यादा लेट हो जाती, क्योंकि उसे बहुत साल वेट करना पड़ता एक एक रिजल्ट के लिए, राइट। बट पी प्लांट के अंदर फ़ायदा क्या था कि पी प्लांट जस्ट 3 मंथ्स में ही फ्रूट्स दे देता है, कि इधर हमने सीड लगाया 3 महीनों के बाद हमारे पास सीड लगने शुरू हो जाते हैं, और मतलब सॉरी उसके ऊपर फ्रूट्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, फटाफट हमारे पास नंबर ऑफ जनरेशन आ जाती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं उनको स्टडी करने के लिए। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट था कि उनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, सिर्फ 90 डेज़ का होता है, क्लियर। इसके अलावा इसके कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट होते हैं,
कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट, मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमें दिखता है कौन गोरा है, कौन काला है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, राइट। सिमिलरली पी प्लांट्स के अंदर भी हमें दिखाई देता है कि उसके सीड का शेप कैसा है, सीड कलर क्या है, पॉड शेप क्या है। पॉड होता है मटर का छिलका, आपने जब मटर छीलते हो ना जो उसका छिलका होता है उसे पॉड बोलते हैं। पॉड का शेप क्या है, पॉड कवर कलर आएगा यहाँ पर, पॉड कलर क्या है, प्लांट की हाइट क्या है, एंड सो मैनी कैरेक्टर्स प्लांट्स के अंदर, पी प्लांट्स के अंदर ये कैरेक्टर्स ईजिली हमें दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था पी प्लांट का, क्लियर। सो ये हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर्स, सेवन कैरेक्टर्स जो मेंडल ने चूज किए थे। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने चूज किए थे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंडल ने स्टडी कोई लाखों कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं किया था, मेंडल ने स्टडी करने के लिए जस्ट सेवन कैरेक्टर्स चूज किए थे। वो कौन कौन से सेवन कैरेक्टर्स हैं, ये जो हमने यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं, ये आप लोगों को इसका भी एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने स्टडी करने के लिए कौन से सेवन कैरेक्टर्स चूज किए थे। तो वो सेवन कैरेक्टर्स का नाम है सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट साइज। दीज आर दी सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स चोज्ड बाय द मेंडल टू स्टडी, क्लियर। अब हमारे पास ये कैरेक्टर्स के ट्रेट्स देखते हैं। सीड शेप में हमारे पास कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं, यहाँ पर जो ऊपर लिखे हुए हैं ये डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये आपको कल क्लियर हो गया होगा। और जो नीचे है ये है रिसेसिव। सो ऊपर वाली लाइन सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली सारी रिसेसिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सपोज सीड शेप पे ही क्वेश्चन आ गया कि सीड शेप में डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर है, तो वो कौन सा होता है, राउंड वाला, और रिसेसिव कौन सा है, रिंकल्ड। सो अभी हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सीड शेप में हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, राउंड, और रिसेसिव रिंकल्ड। राउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल आर, रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल आर, क्योंकि ये हमने कल रूल किया था कि मेंडल ने बोला था डोमिनेंट कैरेक्टर्स को इंग्लिश का कैपिटल अल्फाबेट देना है, रिसेसिव को इंग्लिश का स्मॉल अल्फाबेट देना है। सो सीड शेप में डोमिनेंट आ गया राउंड, रिसेसिव आ गया रिंकल। सीड कलर में डोमिनेंट आ गया येलो एंड रिसेसिव आ गया ग्रीन। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं येलो को कैपिटल वाई और ग्रीन को बाय स्मॉल वाई। पॉड शेप में इनफ्लेटेड, मतलब पूरा प्लेन, इनफ्लेटेड को आप समझ सकते हो ऐसे पूरा प्लेन हमारे पास कोई स्ट्रक्चर हो। और एक आते हैं कंस्ट्रिक्टेड, ये ना आपने देखा होगा जब मटर का सीजन चला जाता है ना, मतलब यह हम कह सकते हैं सीजन जाने वाला होता है, उस टाइम पर हमारे पास एक मटर आते हैं उसकी शेप ऐसी होती है, मतलब ये हमारे पास पॉड है, इसके अंदर दाने हैं, ये दानों के ऊपर से होता हुआ जाता है, एकदम सूखा हुआ छिलका होता है ऐसे प्रॉपर, तो वो कंस्ट्रिक्टेड होता है। ये आप नोट करना, जब मटर का सीजन चला जाता है ऐसे मटर तब आते हैं, राइट। इन्फ्लेटेड को कैपिटल आई, कंस्ट्रिक्टेड को स्मॉल आई। पॉड कलर का डोमिनेंट है ग्रीन, रिसेसिव है येलो। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, पॉड कलर में डोमिनेंट ग्रीन होता है, सीड कलर में डोमिनेंट येलो होता है। सीड कलर में रिसेसिव ग्रीन था, पॉड कलर में रिसेसिव येलो है। सो ये उल्टा नहीं करना, ये पक्का पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लावर कलर में डोमिनेंट है पर्पल, रिसेसिव है वाइट। फ्लावर लोकेशन एग्जाइल और टर्मिनल। अब एग्जाइल और टर्मिनल क्या होता है, अगर फ्लावर ऐसे साइड पर लगा हो, स्टेम की ब्रांच के साइड पर है, उसे बोल देते हैं एग्जाइल। अगर टॉप पर है टर्मिनल पोजीशन पर, उसे बोल देते हैं हम टर्मिनल। वैसे एग्जाइल पोजीशन होती है, सपोज ये लीफ लगा हुआ है, यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं,
ये हमारे पास स्टेम है, ये लीफ लगा हुआ है, उसकी जो ये वाली पोजीशन होती है ना, ये एक्सिलरी पोजीशन होती है। अगर फ्लावर यहाँ लगा हुआ है लाइक दिस, तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिलरी पोजीशन है फ्लावर की। अगर टॉप पर हो ये टर्मिनल, सो ये हो गया हमारे पास टर्मिनल फ्लावर। प्लांट साइज, प्लांट साइज मतलब हाइट, ये अब कोई भी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, मतलब ड्वार्फ भी हो सकती है। टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी, शॉर्ट और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्मॉल टी। एक्सिलरी के लिए ए, टर्मिनल स्मॉल ए, पर्पल पी, वाइट के लिए स्मॉल पी। वैसे ना इसके लिए उल्टा भी हो जाता है कई बार, एनसीईआरटी इसका उल्टा यूज़ करती है, पर्पल के लिए कैपिटल डब्ल्यू और वाइट के लिए स्मॉल डब्ल्यू। इसके अंदर ग्रीन के लिए जी, येलो के लिए स्मॉल जी। क्लियर? सो ये टेबल आप लोग अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ कर लेना, ये टेबल एज इट इज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इसे ध्यान से समझना और आप लोग मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक्स में इसको सॉल्व करना। सो लेट्स स्टार्ट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग तो आपको क्लियर है, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर चूज करते हैं स्टडी करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, क्रॉस का मतलब है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, उनकी हमने रिप्रोडक्शन करवानी है। रिप्रोडक्शन करवाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, पेरेंट्स। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेरेंट्स। मेंडल हमेशा चूज करता है प्योर पेरेंट्स। क्या यहाँ लिख रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आएंगी, कौन से पेरेंट्स चूज करता है मेंडल, प्योर पेरेंट्स। अब ये प्योर इम्प्योर क्या होता है, प्योर पेरेंट्स का मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन में, मींस कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हो गए प्योर। अगर हम बोले ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हाइब्रिड, ये प्योर नहीं है। अभी प्योर और हाइब्रिड का मतलब समझ में आ गया, हाइब्रिड होता है दोनों का बीच का इंटरमीडिएट, कैपिटल टी स्मॉल टी का इंटरमीडिएट आ गया हाइब्रिड, दोनों के बीच का। प्योर पेरेंट्स का मतलब होता है होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? सो पेरेंट्स लेने हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं प्लांट की हाइट की, गार्डन पी की हाइट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी यही वाली मेंशनड है। सो पेरेंट्स आ गए प्योर पेरेंट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस का साइन रिप्रेजेंट करेगा कि हम इन दोनों की क्रॉसिंग करवा रहे हैं। इसमें आप मेल फीमेल कोई भी चूज कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैं इसको मेल चूज कर रही हूँ और इसको फीमेल, आप इसको फीमेल और इसको मेल भी लिख सकते हो, उससे हमारे रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल टी यहाँ पर क्या है, टॉल, स्मॉल टी यहाँ पर है ड्वार्फ। अब रिप्रोडक्शन कब होती है, अब ये पेरेंट्स से बनेंगे गैमीट्स, क्योंकि विदाउट गैमीट फॉर्मेशन तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। सो अब हम लिख लेते हैं गैमीट्स। अब गैमीट्स के लिए भी एक रूल याद रखना, वो रूल है आपके लिए दैट एक एलील एक गैमीट के अंदर जाता है, समझे? मतलब एक गैमीट के अंदर आउट ऑफ टू एलील्स सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होता है। जैसे यहां पर ये दोनों एलील्स हैं, कैपिटल टी ये दोनों ही एलील्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका हमारे पास गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी, और ये इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, स्मॉल टी। ये बात क्लियर आई? ये जो कैपिटल टी मैं लिख रही हूँ, मतलब ये क्या है, गैमीट्स। कैपिटल टी ये अलग गैमीट हो गया, ये अलग गैमीट हो गया। स्मॉल टी के जो दो गैमीट्स लिखे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये हमारे पास दो अलग गैमीट्स बन गए, क्योंकि एक गैमीट के अंदर एक ही अलील आता है। कभी भी एक गैमीट के अंदर दोनों एलील्स नहीं बनाने। अगर आप ये लिख दोगे ना गैमीट्स में,
लिखें कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये गलत है। हमेशा एक गैमेट के अंदर एक ही अलील एंटर होता है। ये बात क्लियर हुई आप सबको? दैट मैं क्या कहना चाहती हूँ, दैट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का किस वजह से वेरी करता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनकी क्रॉसिंग, कि अब ये गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। इनके फ्यूजन करवाने के लिए हम इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियलिटी में ये लाइन नहीं होती, नहीं लगानी है आपको। अब सपोज हमारे पास ये कैपिटल टी है, अब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, क्योंकि एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है, तो चलो हम इसका आपस में फ्यूजन करवा देते हैं। ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान से देखते रहना इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या इस कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में कॉपीराइट हो गया कि ये कैपिटल टी इसी के साथ करेगा? आंसर इज नो, ये प्रोबेबिलिटी है। ये कैपिटल टी इसके साथ भी फ्यूज हो सकती है और ये वाली कैपिटल टी इसके साथ भी फ्यूज हो सकती है, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली कैपिटल टी, अब ये भी इसके साथ भी फ्यूज हो सकती है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट है ये वाली, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये समझ में आया ये कैसे बनाया मैंने, दैट कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे आपस में फ्यूज हो रहे हैं? प्रोबेबिलिटी बेसिस पर है ये, कि ये गैमेट इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। सिमिलरली ये गैमेट भी इसके साथ कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे आगे, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। सो यहाँ पर ये आ गई हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। इस जनरेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या नाम होता है इसका, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फीलियल। ओके, सो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमारे पास सारे बच्चे कैसे आए हैं, ऑल आर टॉल। दिस कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, दिस कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, दिस वन इज ऑल्सो टॉल एंड दिस वन इज ऑल्सो टॉल। सो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स इन एफ वन जनरेशन आर टॉल। नाउ अब यहां पर हमारे पास एक आता है क्वेश्चन, यहां पर अब मेंडल को एक डाउट आया था। वो क्या डाउट था, मेंडल को लगा कि हमारे पास अगर एक ऐसा पेरेंट है जो एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो उसके बच्चे हमेशा टॉल पैदा होंगे। आगे इनकी कोई भी जनरेशन मतलब इनके आगे पोता पोती या पड़ पोती, ग्रैंड चाइल्ड इनके जो हैं वो सारे टॉल ही पैदा होंगे। कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि ये ड्वार्फ पैदा हो जाए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कैसी आई थी, सारे टॉल आए हैं। मम्मी पापा कैसे हैं, एक टॉल एक ड्वार्फ है, फर्स्ट जनरेशन आई सारे टॉल। तो उसको लगा शायद अब इनके जो आगे बच्चे हैं मतलब इनके पोता पोती वो भी सारे टॉल ही पैदा होंगे। मेंडल को अब ये डाउट आया था। अब मेंडल ने इस डाउट को क्लियर करना था, तो उसने ये डाउट क्लियर कैसे किया, मेंडल ने करवा दी सेल्फिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंडल ने क्या करवाई, सेल्फिंग। अब ये सेल्फिंग क्या होती है, ये देखो लॉजिकली अगर हम देखें तो ये चारों क्या है आपस में, बहन भाई, राइट? क्योंकि इन सबके मम्मी पापा क्या है, दोनों चारों के सेम है। सेल्फिंग का मतलब होता है उसने किन्हीं दो को आपस में क्रॉस करवा दिया। सपोज उसने ये दोनों चूज किए और इनको आपस में क्रॉस करवा दिया, इसीलिए हम इसको टर्म क्या देते हैं, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के टाइम पर अब पेरेंट्स क्या हैं, नाउ पेरेंट्स आर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये पेरेंट्स बन गए हमारे पास। अब अगेन हमारे पास क्या आएंगे, गैमेट्स। शाबाश, करते जाओ अपने नोटबुक्स के ऊपर। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके गैमेट्स आ गए और इसके गैमेट्स आए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगेन अब वही चलेगा,
ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है कैपिटल टी कैपिटल टी, और ये वाला इसके साथ क्रॉस कर सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड जो ये वाले हैं ये इसके साथ क्रॉस कर सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से देखो, मैंने लिखा है स्मॉल टी के साथ जब कैपिटल टी को क्रॉस किया, लिखने के टाइम पर मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी ही लिखा है, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट वाला पहले आता है, रिसेसिव वाला बाद में आता है। कभी भी ये मत लिख देना स्मॉल टी कैपिटल टी, ये गलत है। हमेशा डोमिनेंट पहले लिखना है, रिसेसिव बाद में, क्लियर। और अगर इन दोनों को आपस में करते हैं तो आ गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अरे ये क्या, ये तो मेंडल ने जो सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। मेंडल ने तो सोचा था कि अब इन पेरेंट्स के, ये पेरेंट्स के बच्चे कभी भी स्मॉल पैदा ही नहीं होंगे, बट देखो इनका एक पोता या पोती क्या पैदा हो गया, स्मॉल साइज का। ये क्या है हमारे पास, ड्वार्फ। ये स्मॉल टी क्या आ गया, ड्वार्फ। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होगा, टॉल। अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, एंड ये कैपिटल टी इज टॉल। सो जो मेंडल ने सोचा था वो उसका क्लैरिफाई हो गया था, दैट ऐसा नहीं होता कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी पेरेंट्स के बच्चे हमेशा, बच्चे नहीं बोलेंगे तो जनरेशंस बोल सकते हैं, कि उनकी सारी जनरेशंस टॉल ही पैदा होंगी, ड्वार्फ भी पैदा हो सकती हैं, क्लियर। सो इसी के साथ हम अब देते हैं रेशो। सबसे पहले हम दो रेशोस देते हैं, सबसे पहले देते हैं फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है आउटर अपियरेंस। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम जो रेशो देते हैं उसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। अब देखो फिनोटिपिकली कैपिटल टी इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, तो मतलब कि आउटर अपियरेंस, ये आ गई F2 जनरेशन के अंदर अगर हम सिर्फ बाहर से देखें तो हमारे पास तीन टॉल है और एक छोटा है, तो रेशो आ गई 3:1, 3 tall 1 dwarf, क्लियर ये चीज आउटर अपियरेंस के बेसिस पर। नेक्स्ट रेशो देते हैं हम जीनोटिपिक रेशो। नेक्स्ट आ गई हमारे पास जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो का मतलब है जीन लेवल पर देखना है कि क्या सारे जीन लेवल पर भी सेम है। अब देखते हैं हम, अब इनको ध्यान से देखो। जीन लेवल पर अगर हम देखें कैपिटल टी इज नॉट सेम टू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपस में सेम नहीं है, क्योंकि ये होमोजाइगस है और ये हेटरोजाइगस है। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी भी हेटरोजाइगस है। सो हमारे पास कैपिटल टी एक होता है, स्मॉल टी दो है, स्मॉल टी एक है। सो जीनोटिपिक रेशो आ जाती है 1:2, 2:1, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। सो ये आ गई हमारे पास जीनोटिपिक रेशो। ये आपको क्रॉस भी आना चाहिए, आपको रेशोज भी आनी चाहिए, और रेशोज आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में 1 mark का क्वेश्चन भी आ जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो कितनी होती है, जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, तो आपको ये ऐसे भी याद होनी चाहिए, क्लियर। क्लियर हो गया अभी ये क्रॉस बिल्कुल अच्छे से। अब हमारे पास अगर आपको ये ऐसे लाइंस लगाकर करना मुश्किल लगता है ना, तो इसका एक और इजी मेथड होता है जिसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमारे पास ये, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसकी एक साइड पर हम लिख देते हैं मेल गैमेट्स, दूसरी साइड लिख देते हैं फीमेल गैमेट्स। हमारे पास F2 जनरेशन के टाइम पर मेल गैमेट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट्स भी क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक साइड मेल गैमेट्स लिख ली, एक साइड फीमेल गैमेट। अगर ये गैमेट्स भूल गया तो मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखो क्या गैमेट्स थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये लिख लिया हमने।
अब ना सिंपली मल्टीप्लाई करनी है, पहले हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, उसके बाद इस कैपिटल टी को हम इसके साथ लिखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, एक सेकेंड, दोबारा करते हैं, ये आ गया हमारे पास पुनेट स्क्वायर का स्क्वायर, एक साइड लिख लेते हैं मेल गैमेट, एक साइड फीमेल गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम सबसे पहले कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे इसके साथ और इसके बाद इसके साथ, जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी का आ जाएगा, कैपिटल टी मतलब इसको इसके साथ करने पर, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ वही चीज़ याद रखनी है, स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखना, पहले डोमिनेंट ही लिखना है, और इसको इसके साथ करेंगे तो आ गया स्मॉल टी सी। रिजल्ट सेम आए हैं, बट अगर आपको वो लाइन्स लगा के मुश्किल लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलो ये है हमारे पास पुनेट स्क्वायर, अब मेंडल ने ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो चीजें प्रूव की थी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इवन ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मैंशनड है, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने दो चीज़ें प्रूव की थी, फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहले हम यही देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने कैसे प्रूव किया था। देखो उसने देखा कि पेरेंट्स तो हमने ये चूज़ किए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन सारी टॉल आई थी, बट F2 जनरेशन में एक बच्चा छोटे साइज का भी पैदा हो गया। यहीं से मेंडल ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास ये स्मॉल साइज वाला फैक्टर है, स्मॉल टी वाला फैक्टर है, ये F1 जनरेशन वालों के पास भी था, क्योंकि उसे माइक्रोस्कोपिकली तो ये चीज़ें दिखती नहीं थी, तो उसने बोला कि F1 जनरेशन वालों के पास भी स्मॉल टी होता है, बट वो छुप जाता है, वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाया। जैसे ही उसे मौका मिला, मौका कब मिला, F2 जनरेशन में, जैसे ही स्मॉल टी को मौका मिला उसने अपने आप को शो कर दिया। तो यही चीज़ तो होती है डोमिनेंट रिसेसिव, कि डोमिनेंट जो है हर टाइम अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते, वो सिर्फ तभी शो करते हैं जब उनको मौका मिलता है, जब डोमिनेंट उनके साथ नहीं होता। तो यहीं से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव कर दिया था। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है दैट हाउ यू विल प्रूव लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपको वहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है, पूरे का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। टेक माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करने का। सेकेंड लॉ मेंडल ने प्रूव किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ वॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बोला था, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने ये प्रूफ कैसे किया था, कहता कि जो हमारे पास ये दोनों, ये चीज़ को बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, जो हमारे पास ये पेरेंट्स के अलील्स होते हैं, ये दोनों, ये अलील्स है ना एक गैमेट के, ये जो अलील्स होते हैं ये अपनी मर्जी से सेपरेट होते हैं, मतलब इनका कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता कि मैं तो कैपिटल टी वाला अलील हूँ तो मैं तो कैपिटल टी के साथ ही जाऊँगा, या मैं स्मॉल टी वाला अलील हूँ तो मैं स्मॉल टी के साथ ही जाऊँगा। नो, इनकी सेपरेशन अपनी मर्जी से होती है, इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि इन्होंने कैसे सेपरेट होना है। इसीलिए तो देखो कैपिटल टी अपना अलग सेपरेट होता है, स्मॉल टी अलग सेपरेट होता है, और फिर वो अपनी मर्जी से ही जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कैपिटल टी के साथ ही जुड़ेगा, नो, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी अटैच हो सकता है। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मेंडल ने प्रूव किया था
ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों लॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लो। और आपको डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा दोनों क्रॉसेस को प्रूफ करके दिखाओ। तो आप प्रूफ कैसे करोगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना के। क्लियर? सो दिस इज इट, ये हमारे पास है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोगों ने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है बिटवीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करना बिटवीन सीड शेप। मतलब आपको जैसे मैंने कैरेक्टर चूज किया है ये वाला हाइट, सेम टू सेम आपने ये क्रॉस करना है फॉर सीड शेप। एक डोमिनेंट चूज करना उसका, एक रिसेसिव लेना, सिमिलरली पेरेंट्स लेकर उसके गैमेट्स बनाना, क्रॉसिंग करना और अपना क्रॉस सारा कंप्लीट कर देना। सो आई होप मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज इट, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस कवर करेंगे। थैंक यू।